चलिए, जो आज का आपको वीडियो दिया जा रहा है वो जो आपके क्रम से लगे हुए थे जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो प्राकृतिक स्थल भारत के रखे गए थे उनमें से कुछ वीडियो आपको दे दिए गए हैं, नेशनल पार्क के वीडियो आपको दे दिए गए हैं। उसी क्रम में जो आज का वीडियो आपको दिया जा रहा है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो ये उत्तराखंड के चामोली ज़िले में अवस्थित है। तो ये जो डायग्राम आपको दिया जा रहा है ये केवल उत्तराखंड के चामोली ज़िले का ही केवल डायग्राम दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में जो चामोली ज़िला है उसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। इसके डायग्राम के बारे में पहले अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, पहले यहाँ आइएगा। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको प्रारंभ में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था, फिर उसका नाम बदल करके नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्योंकि संजय गांधी, ये गांधी परिवार से तो भारत में बहुत सारे स्मारकों के नाम, राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, मतलब कांग्रेस में और कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं, यानी कि अन्य कोई ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं थे जिनके नाम पर रखा जाए, नहीं केवल गांधी परिवार के नाम पर ही रखे गए हैं। एक एक दो दो नाम से रखे गए हैं, गोवा में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। तो प्रारंभ में तो इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में इसका नाम नंदा देवी कर दिया गया था। और इसे एक नाम और दिया जाता है, ओली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे ओली, जो इसका स्थानीय नाम है उसे ओली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसकी देख लीजिएगा, इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं वो आपको देखना है। तो 1982 में इसे, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और विश्व विरासत की सूची में 1988 में प्राकृतिक स्थल के रूप में इसे एक विश्व विरासत यानी कि धरोहर या स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। और फिर 2005 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो ये जो आपको पूरा डायग्राम दिखाई दिया जा रहा है वो केवल चामोली ज़िले का है, और चामोली ज़िले का जो बायोस्फीयर रिजर्व, जो पूरा क्षेत्र है जिसमें फ्लावर वैली नेशनल पार्क भी है, जिसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जो जो आपको दिखाए जा रहे हैं रेड कलर से बीच में, ये रिजर्व क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। इसके नीचे वाला क्षेत्र अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, पहले यहाँ आइएगा। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्रफल है जो पूरा आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है इसका है, राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल नहीं है, पूरे का क्षेत्रफल है, जिसमें जो फूलों की घाटी है वो भी शामिल है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ से आएगा क्षेत्रफल 5148 वर्ग किलोमीटर है, 5148 वर्ग किलोमीटर है। अब चूंकि जो राष्ट्रीय उद्यान वाला जो क्षेत्र है, इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारी चोटियां फैली हुई हैं, जिसमें कुछ चोटियां आपको यहां दिखाई गई हैं, कुछ चोटी आपको लिस्टेड दी गई हैं, जैसे आएगा नंदा देवी, ऋषिकोट, दूनागिरी, चागाबाग, कलंक, मंगराओ, देवमाला, बमचू, सकरम, सुनंदा देवी, नंदा खाट, मैक टोली, देव टोली, त्रिशूल, बैथर टोली। इसके अलावा और भी बहुत सारी चोटियां हैं, हमने प्रमुख लिस्टेड यहां पर आपको दी गई हैं। इसके अलावा इन चोटियों का जो विस्तार है, जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला क्षेत्र है इसमें है। इसके अलावा यहां पर जो वन्य जीव हैं राष्ट्रीय उद्यान में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में जो वन्य जीव हैं उसमें पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियां पाई जाती हैं, तितली की 40, मकड़ी की 40, इसके अलावा भालू, भरल, मृग, लंगूर, तेंदुआ और लाल लोमड़ी, ये लाल लोमड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रमुख वन्य जीव की प्रजातियां हैं जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। इसके अलावा आइएगा वनस्पति देख लेते हैं। तो वनस्पति इस क्षेत्र में जो मुख्य रूप से वनस्पति पाई जाती है, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है, वृद्ध हिमालय वाला क्षेत्र है, तो इसमें मुख्य रूप से जो वनस्पति पाई जाएगी वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होंगे, यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं जिनको कौड़धारी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से 520 प्रजातियाँ हैं, उनमें से लगभग
448 प्रजातियां वृक्षों की फूलों की ही पाई जाती हैं, केवल फूलों की प्रजातियां ही पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो नाम दिए गए हैं जूनिफर, फर, वर्च और अल्पाइन, ये जो वनस्पति मैं यहाँ की जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ ये वृक्षों के नाम लिखे गए हैं। अल्पाइन वनस्पति में जो मुख्य रूप से होगा वो सैवाल होंगे, मॉस होंगे, काई होगी, लाइकेन होंगे, तो वो अल्पाइन वनस्पति के अंतर्गत आ जाएंगे। सैवाल हुआ, मॉस हुआ, लाइकेन हुआ और छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो केवल यही क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं, जो ये जो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी में केवल और केवल ग्लेशियर के नाम आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर मिलाम ग्लेशियर है, बागनी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है और मुख्य रूप से नंदा देवी ग्लेशियर है। तो ये जो मुख्य ग्लेशियर के नाम यहाँ पर आपको लिखे गए हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व से ही संबंधित है। उत्तराखंड के जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य ज़िले हैं, उनके आपको ग्लेशियर यहाँ पर लिस्टेड नहीं किए गए हैं। तो ये मुख्य जो मिलाम और ये जो मुख्य जो ग्लेशियर या हिमनद दिए गए हैं उनका विस्तार मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में इन ग्लेशियर का विस्तार है। और इनमें से मिलाम चूँकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, पिंडारी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो उत्तराखंड है, अब हम पूरा उत्तराखंड ले रहे हैं, अब जो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा अन्य भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं नंदा देवी के अलावा जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं उनके नाम आपको दे रहे हैं। गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है और अस्कोट नेशनल पार्क है। इनमें से जो मुख्य क्षेत्र है, जैसे राजा जी वाला क्षेत्र है तो जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है, यहाँ पर राजा जी का विस्तार है, यहाँ पर जिम कार्बेट का विस्तार है, यानी कि दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर अवस्थित हैं। इसके अलावा जो बद्रीनाथ का जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर गोविंद नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर एक गंगोत्री नाम का ग्लेशियर मिलेगा, उस क्षेत्र में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, जो गिरथी नाम की नदी का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अस्कोट नाम का राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। उसमें दो राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, यहाँ पर दिए गए हैं, ये फूलों की घाटी वाला क्षेत्र है और ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो दो यहाँ पर आपको दिए गए। इसके अलावा जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में हैं वो यहाँ पर लिस्टेड कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये नेशनल जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसका रिजर्व क्षेत्र आपको दिखाया गया है। तो ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो इस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के कार्य संपन्न होते हैं। मानवीय हस्तक्षेप जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में होता है वो मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का मतलब जीन पूल बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को विकसित किया जाता है। तो ये रिजर्व वाला क्षेत्र है, ये फूलों की घाटी वाला क्षेत्र है। तो अब इनकी लोकेशन में आइएगा, अब यहाँ से देखिएगा जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसमें जो रिजर्व वाला क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 45 जो गांव हैं उनका विस्तार है। आसपास के क्षेत्र में 45 जो इनकी गांव का विस्तार है। इसके अलावा उत्तराखंड में मुख्य रूप से जो घास के मैदान जो घाटियों पर पाए जाते हैं, जो ढलानों पर पाए जाते हैं, उनको विशेष नाम दिए जाते हैं, बुग्याल और पयार। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं, बुग्याल और पयार उत्तराखंड में घाटीय पर्वत घाटियों ढलानों पर पाए जाने वाले घास के मैदान है। यह घास के मैदान पर्यटक स्थल के रूप में विकसित रहते हैं। तो बुग्याल और पयार उत्तराखंड में पाए जाने वाले क्या हैं, घास के मैदानों के नाम हैं। तो ये जो मुख्य जो विशेषताएं थी नंदा देवी नेशनल पार्क की, जो मुख्य विशेषताएं थी उनके बारे में आपको यहाँ जानकारी दी गई। अब थोड़ा सा डायग्राम का अध्ययन कर लेते हैं।
तो जो बॉर्डर आपको जो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर दिखाया जा रहा है, ये केवल चामोली जिले का बॉर्डर दिखाया जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड का चामोली जिला है। अब उत्तराखंड के चामोली जिले में देखिएगा, मुख्य रूप से नदियों का विस्तार देखिएगा, जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो क्षेत्र है उसमें इन नदियों का विस्तार है। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, प्रवाहित होती हैं। मुख्य नदी कौन सी है? ये जो आपको नदी दिखाई जा रही है, ये अलकनंदा नाम की नदी है, जिसका उद्गम बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्रों से होता है। यानी कि बद्रीनाथ जो अवस्थित है वो अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। नदी और आगे बढ़ेगी तो नदी आगे बढ़ेगी तो नीचे आएंगे तो एक क्षेत्र मिलेगा, पर्यटक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, हनुमान चट्टी नाम का एक क्षेत्र मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो जहाँ पर धौली गंगा किसकी सहायक है? अलकनंदा की सहायक है। और जहाँ पर अलकनंदा मिलती है वहाँ पर एक प्रमुख शहर है, स्थान भी है, जोशी मठ। और ये जो जोशी मठ है, आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया था और इसे एक नाम दिया गया था, जोशी मठ। तो ये आठवीं शताब्दी में जो निर्माण कराया गया था वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा कराया गया था। तो जोशी मठ भी अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे तो एक स्थान मिलेगा गोपेश्वर, ये भी अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अलकनंदा आगे जाएगी और इस क्षेत्र से भागीरथी आएगी, अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलेंगी, और जहाँ पर इनका मिलन होता है, संगम होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, देवप्रयाग के नाम से उसे जाना जाता है। तो जब भारत में आएंगे, भारत के जब आपको वीडियो दिए जाएंगे तो उसमें जो गंगा नदी का जो मुख्य वीडियो है वो आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रयाग हैं, उन प्रयागों के बारे में आप संगम यानी कि प्रयाग नाम दिया जाता है। तो जो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर आगे मिलेगी वहाँ पर एक प्रयाग बनाया जाएगा, ये प्रयाग का नाम दिया जाएगा, संगम का नाम दिया जाएगा देव प्रयाग। तो यहाँ पर केवल देव प्रयाग तक ही छोड़ रहे हैं। आगे देखिएगा, धौली गंगा जो ऐसे आकर के मिलती है, धौली गंगा अलकनंदा में जाकर के मिलती है। अब धौली गंगा की लोकेशन देखिएगा, धौली गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरथी नाम की नदी है, एक ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, यहीं से इसका उद्गम होता है और आगे जाकर के धौली गंगा में मिल जाती है। अब ये जो प्रमुख जो नदी है वो ऋषि गंगा नाम की नदी है। तो जो जो राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी नेशनल पार्क का जो रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है, उस रिजर्व क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? ऋषि गंगा नाम की नदी है। तो जो जयमंडली आरक्षित क्षेत्र है नंदा देवी का, उसी नंदा देवी जयमंडली आरक्षित क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? ऋषि गंगा नाम की एक नदी है। अब नीचे से आएगा तो इसी क्षेत्र से जहाँ पर रिजर्व वाला क्षेत्र है उसी के समीप से दो यहाँ पर कुंड मिलेंगे, यानी कि झीलों जैसे क्षेत्र हैं, हेमकुंड है और रूपकुंड है। हेमकुंड और रूपकुंड का संबंध जयमंडे जो आरक्षित क्षेत्र है यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही मिलेंगे। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नाम की एक नदी निकलती है। आगे जाएंगे तो जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा, और ये प्रमुख नदी है पिंडारी नाम की नदी। ये पिंडारी नाम की नदी आगे जा करके जैसे नंदाकिनी अलकनंदा में मिल गई है, वैसे ही पिंडारी नदी आगे जा करके अलकनंदा में जा करके मिल जाएगी। और जहाँ पर अलकनंदा और पिंडारी मिलती है, संगम बनाती है, और कर्ण प्रयाग उसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ देखिएगा जो जो धौली गंगा है, धौली गंगा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का है। धौली गंगा और जो अलकनंदा के जो बीच का क्षेत्र है ये फूलों की घाटी वाला क्षेत्र है। ये पूरे इस फूलों की घाटी, नंदा देवी, इन पूरे क्षेत्रों को मिलाकर के पूरा नाम दिया गया है नंदा देवी जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नाम दिया गया है। यहाँ पर कुछ चोटियाँ आपको दर्शाई जा रही हैं, जो चोटियाँ हैं उनके कुछ नाम हम आपको यहाँ पर लिस्टेड कर दिए हैं। उनमें से कुछ चोटियाँ हैं, जैसे ये वाली चोटी देखिएगा जो रिजर्व वाले क्षेत्र में है, उनको केवल दिखाया गया है। दूनागिरी नाम की चोटी है,
नंदा देवी नाम की चोटी है। नंदा देवी नाम की चोटी, जितनी भी यहाँ पर चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी चोटी है। उसके अलावा ये का इस क्षेत्र में त्रिशूल नाम की चोटियाँ मिलेंगी। त्रिशूल चोटियों में त्रिशूल एक, त्रिशूल दो, त्रिशूल तीन नाम की चोटियाँ मिलेंगी। तो ये त्रिशूल केवल लिखा गया है, इस क्षेत्र में आएगा नंदाकोट नाम की चोटी है। और यहाँ पर त्रिशूल तो ये है, यहाँ पर त्रिशूली नाम की चोटियाँ हैं या अन्य चोटियाँ जो यहाँ पर आपको लिस्टेड कर दी गई हैं। यहाँ पर ये लिस्टेड हैं, मुख्य चोटियाँ हैं जो रिजर्व के पास में है, रिजर्व के क्षेत्र में है, इनको दर्शा दिया गया है। तो ये जो आपको आज का वीडियो दिया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो जयमंडली आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित है, या उत्तराखंड का जयमंडली आरक्षित क्षेत्र है, अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी आपको दिखा दिए गए हैं। तो ये आपको वीडियो दिया गया है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।